नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। सूरज राज प्रोडक्शन एंड एकेजे प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म मैं फिर भी तुमको चाहूंगा का मुहूर्त भाईंदर के उत्तन परिसर में यह देखो रामनवमी के अवसर पर किया गया। इस दौरान फिल्म के गाने की शूटिंग भी यहां पर, यह देखिए नवोदित अभिनेता अमित आर यादव और श्रेष्ठा के साथ की जा रही है। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही जम रही है। फिल्म के निर्माता हैं सूरज राज, जो इस फिल्म में भी एक अहम भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशन की बागडोर सचिन यादव संभाल रहे हैं, जो इसके पहले महाभारत जैसी फिल्म का निर्देशन कर चुके हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित कलाकारों ने और क्या कुछ कहा। जाइस्वाल है, मैं आसाम की रहने वाली हूँ और ये भोजपुरी मेरी पहली मूवी है। मैं बहुत खुश हूँ सचिन जी के साथ, सबके साथ काम करके। और ये मूवी का जो स्टोरी है लव स्टोरी है, तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। बाकी तो आपको सब पता चल जाएगा जैसे रिलीज होगी मूवी। आपके अपोजिट जो बैठे हैं, क्या नाम है उनका, किस तरह से उनका किरदार है आपके साथ? जी, अमित जी का किरदार मेरे अपोजिट है। हमारी, हम दोनों की बहुत अच्छी लव स्टोरी है जो आप लोगों को मूवी के दौरान देखने मिलेगी। जी, इसके पहले आपने क्या किया है उसके बारे में? जी, मैंने प्रिंट मॉडल हूँ। मैंने काफ़ी सारे प्रिंट कैटलॉग शूट करे हैं, सीरियल्स करी हैं भोजपुरी, बस अब पहला मूवी। भोजपुरी फिल्मों की तरह कैसे रुझान हुआ? मैं बेसिकली यूपी से हूँ, तो बॉर्न एंड बॉटम आसाम का है, पर जो आपका यूपी का टच होता है आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो बिहारी ना, तो वो तो आना ही है बट ऑब्वियस, तो इसीलिए इस फील्ड में आई हूँ और आगे बढ़ना है आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे प्यार कीजिए, हमारी टीम को प्यार कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए कि हम आगे बढ़े और आपको अच्छी अच्छी मूवीज प्रेजेंट कर सके आपके सामने। थैंक यू। आने वाले दिनों में और क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपका? ये हो जाए उसके बाद पक्का और भी एक दो आएंगे आप लोगों के पास।